ये बताइए कि किस बिना पे आप फिल्में चुनते हैं, शॉर्ट थोड़ा सा ही, लेकिन जितने भी वक्त के लिए आप इतनी यू नो जितने भी अंदर बैठे थे लोग, मुझे लग रहा था कहीं इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए, जिस तरह का आपने परफॉर्मेंस दिया। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट द मेकर आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड? यस, ऑफ कोर्स यस। आई मीन आई लाइक हिम एज अ, पहले तो अपना करण बाबा है, अपना राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, सिंगर है, कंपोजर है, आरजे है, और ऐसे सब्जेक्ट को लेके आया कि ना बोलने का मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे कुछ भी आप करते रहते हो, मगर ऐसी चीजों को पहले ही समझ जाना चाहिए और आपके जरिए दिखाना चाहिए। नाम आपने ज्यादा ऐसी पिक्चर बनाया और इतने लोगों ने इज्जत की बिल्कुल। कोई मुद्दा है और सत्य मुद्दा है, ऐसे नहीं कि कुछ कुछ टपोरी बात लेके आगे बढ़ाया है, ये असली असली हकीकत है। भाव क्या होता है, खाएगा कुछ बड़ा भाव करण, आपके जहन में कैसे ये आइडिया है, इस तरह के कॉन्सेप्ट है? इट्स अ फैबुलस कॉन्सेप्ट। आई थिंक इट्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो मुद्दा है वो बहुत सीरियस मुद्दा है, सब लोगों को मालूम है वीडियो और सब लोगों ने देखा भी है, मगर आपके दिमाग में कैसे आया वो बताएं आप। वी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टॉक। सो ये स्टोरी जब मैंने सोचा कि पहली बात तो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए हमेशा से मेरे दिल में बहुत इज्जत रही, क्योंकि बहन माँ वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रही हमारा मेरा। तो जब पहली फिल्म बनाई तो मुझे उसकी इर्द गिर्द बनानी थी, फिर जब उसके बारे में रिसर्च किया तो मैंने पहली बार जाना ब्राइट ट्रैफिकिंग के बारे में। आप में से भी कई लोगों ने शायद राइट ट्रैफिकिंग के बारे में पहली बार सुना होगा, चाइल्ड मैरिज के बारे में सुना होगा, बच्चों से ऐसे काम करवाते हैं उसके बारे में सुना होगा, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम राइट ट्रैफिकिंग के बारे में सुना, जो बहुत ज्यादा होता है लेकिन अंदर अंदर होता है। तो जब मैंने उसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये ऐसी कहानी है जिसको यू नो आवाम तक और देश दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है। तो इस तरह मैंने फिर दूल्हे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार इतने सारे मुद्दे हैं एक्चुअली महिलाओं को लेकर, अभी अब देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, राजस्थान में जिस तरह का डिस्कशन चल रहा है, इतनी सारी चीजें जिसके बारे में एज क्रिएटिव हम लोग ये कहानियों के थ्रू ही कह सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हम लोग सोशल मीडिया पर भी बोलते हैं पर ये सबसे स्ट्रांग मीडियम है जो इम्पैक्ट कर सकता है सोसाइटी को, और जो नंबर्स पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, एक बड़ा खूबसूरत नंबर है और वो बताता है हमारी असलियत कि 2016 में 33,000 से ज्यादा बच्चियां महिलाएं उनको ट्रैफिक किया गया। वो नंबर मेरे ख्याल से हमारी फिल्म को भी डिफाइन करता है। हम एज क्रिएटर्स हमारी यही स्ट्रेंथ है कि हम कहानियां कह सकते हैं और पहुंचा सकते हैं, और कहानियां इंपैक्ट करती हैं, तो होपफुली ये कहानी पहुंचेगी आम लोगों तक, सोचेंगे लोग और सोचने से ज्यादा इस पर अमल करेंगे, एक्ट करेंगे। कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे होगी ये शॉट में? ये ऑलरेडी हंगामा पे है, एमएक्स प्लेयर पर है, एयरटेल पर है, वोडाफोन पर है, यूट्यूब पर है। दादा कुछ और अगर आपको कहना है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना है, जाना तो कहीं नहीं है, बात तो अपनी इधर ही है, सब यार कहाँ जाएंगे एक ही बार इधर मारने। वाह बोले ब्लू, बात कुछ बोलने की जरूरत है, देखा ना पिक्चर देखा सब लोग, समझ में आया ना? मैं क्या बोलूँ तुम लोगों, समझने की बात है, जो करना चाहिए वो अच्छे मुद्दों को पकड़ के काम आगे बढ़ाना चाहिए। दो चार जैसे मैं झाड़ की बात करता हूँ, मैं स्किल वर्क की बात करता हूँ, थैलेसेमिया की बात करता हूँ, शादी करने से पहले अपने खून को तपासना चाहिए, लोग आधे में से तो आधे लोगों ने तो किए नहीं होंगे, नहीं वही तो जो करने से पहले बच्चा पैदा करने से पहले खून को टेस्ट जरूर करना, खून चेक करना, बैंड बच जाएगा कॉमेडी नहीं है वे सही बोलो मैं बच जाता, मगर ये जो मुद्दा है वो एक नंबर है। करण जब भी तो बोलेंगे मैं पिक्चर करूंगा, ये तो मेरा वादा है, बिकॉज दिस मैन इज वेरी सेंसिटिव, इज अ सिंसियर मैन, ज्यादा छोचलेगिरी नहीं, चापलूसी नहीं, कुछ किसी का लेना देना नहीं, अपने क्रिएटर में लगा रहता है। तो पहले तो ये थॉट मेरे बहुत प्यारा लगा और मेरे दिल के करीब में, मेरे को किंग अंकल अच्छा लगा था, मेरा एक पिक्चर जो चाइल्ड अडॉप्शन पे था, गर्ल अडॉप्शन पे था, इनने ब्राइट ट्रैफिकिंग के ऊपर पहली बार किसी ने सुना होगा कि ये भी होता है ब्लू, हम लोगों ने तो सुना था कि बाकी ट्रैफिकिंग होता है, मगर ये बात मालूम नहीं था, और जब आप मेरे पास आए तो मेरा 100%
एक सेकंड का रोल हो या दस सेकंड का रोल हो, मैं आंख बंद करके रखता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल के करीब पिक्चर है ये, और मैंने इतने सारे लैंग्वेज में किया। या पहली बार मैं, मेरा दिल था कि मैं राजस्थानी पिक्चर करूं, मैं हमेशा बोलता था मेरे को मारवाड़ी, मेरे को करा दिए, थैंक यू। दादा आपने अभी, मैं लास्ट सवाल था, बोलो मित्र मित्र, किंग अंकल का जिक्र किया आपने, और अब वो दौर से लेकर परिंदा से लेकर अब तक अनगिनत फिल्में आपके नाम पे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस, काश की मैं बात करता हूँ, बड़ी सेंसिटिव फिल्म जहाँ पे एक अलग बीमारी के बच्चे की बात करी गई थी। कितनी दुनिया बदल गई है जब मैं फिल्म मेकिंग की बात करता हूँ, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अब यू नो जिस तरह से सोशल मीडिया का दखल हो गया है, पहले फिल्में वाकई में थिएटर में रहा करती थी, 25-25 हफ्ते सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली देखा करते थे हम, उसकी ट्रॉफियां वगैरह दी जाती थी, अब दौर बिल्कुल बदल गया है। व्हाट्स योर टेक? और एकदम से कोई अचानक से उठ के कोई ऐतराज कर लेता है, किसी को कुछ बुरा लग जाता है, उस दौर में और इस दौर में क्या फर्क देखते हैं? और शाहरुख के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यू हैव वर्क विद हिम इन किंग अंकल एंड यू शेयर अ फैंटास्टिक बॉन्ड विद हिम। जो आपको सही लगे। मैंने क्या पूछा? क्या फर्क पाते हैं आप? यू नो इतना लंबा किंग अंकल की बात कर रहा हूं। देख, प्लेटफॉर्म्स बदलता है, प्लेटफॉर्म्स बदल गया। अपन स्क्रिप्ट प्ले भी देखता है, अपन ड्रामा भी देखते हैं, अपन पिक्चर भी देखता है, अपन टीवी भी देखते हैं, अपन ओटीटी भी देखते हैं ना, बड़े तो सब देखता है। खाली जज्बा नहीं बदला, इमोशन बदलेगा नहीं, सच्चाई बदलेगी नहीं, पर्दा बदला, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, वो तो होता है। मगर जो चद्दर वाली पिक्चर चद्दर पे देखते, रूमाल वाली रूमाल पे देखेंगे, है ना ब्रो? तो ये साइज में देखेंगे, हमारे बीच बीच में कोई अभी गया, मैं आ रहा हूं, अरे एक सेकंड, मतलब वो इज्जत दे भी रहे नहीं भी दे रहे पिक्चर को, बिंज वॉचिंग, इंग्लिश बड़े बड़ा तो समझा ब्रो। जज्बा बदला नहीं है, पर्दे बदलते रहेंगे, वो वातावरण बदलेगा, मगर पर्दे वाली पिक्चर जैसे शाहरुख बाबा है, उनने एक पिक्चर किया, पता के रख दिया कि थिएटर में आएगा, लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। मेरे को तो जानी को बहुत पसंद, मैं जब जाता था तो मैं अपने आप को विनोद खन्ना साहब समझता था, देव साहब समझ, मेरे को अच्छा लगता था कि मैं अपने हीरो का पिक्चर देख रहा हूं और मेरा गैंग पूरा 1000 जन साथ में बैठे, 800 जन 600 जन बैठे ले, और सब बाहर निकलता तो फिर अपनी वो स्टाइल गिरी हो जाती, हीरो तो वो सब अच्छा लगता है। फिल्म थिएटर थिएटर है वाह, और सुना के पॉपकॉर्न का पैसा भी कम कर दिया ना, थैंक यू जिसने भी किया, थैंक यू। कहीं तो कोई बात सुन ही लेता, अच्छा लगता है, और ये करना भी चाहिए। सिनेमा सिनेमा है बाबा, अब कब तक देखेंगे अपने फोन पे, आपके पर्दे हिल जाएंगे, देख उधर भी देख इधर भी देख, और जब आया देखने लाए तो उस पर भी देख, और अगर उन लोगों ने प्राइस कटिंग करना शुरू कर दिया तो अच्छी बात है, ताकि सब अपने मोहल्ले के बच्चे भी जाएंगे, जैसे मेरे एरिया का दादर का महिम का सब सेंट्रल बॉम्बे के बिंदास बच्चे होते हैं, लाइक टू गो, सबको जाना पसंद है, मगर एक बार घुस जाता है तो पैसे का बैंड बच जाता है ना। बच्चे ने अगर पॉपकॉर्न मंगाया, ये मंगाया, वो मंगाया, तो समझना चाहिए ना, मैं भी रहा हूं ना, मेरे को भी मालूम है मैं कहां रह रहा हूं, निकल जाता पूरा सैलरी निकल जाता है ना छुट्टी के अंदर, थोड़ा सा प्राइसिंग कम करना चाहिए। खाओ यार, इतना मत खाओ कि बोल ही देना पड़े, आज बोला दादा ने खरीद के खाया। जब भी जाते हैं तो पैसे नहीं लेते, और बाहर वाले से वसूल करते क्या? जब भाई जब भी जाते, नहीं नहीं सर, वो दे देगा, वो दे देगा, सब देने वाले बहुत है, नसीब है ऊपर वाले का, मेरे लिए किचन बहुत खुला है। थैंक यू, थैंक यू, आई होप यू।